हिमाचल प्रदेश की कांग्रेस सरकार कभी भी गिर सकती है, ये चर्चा जोरों पर है। खुद मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने बयान दिया है कि हरियाणा पुलिस और सीआरपीएफ कांग्रेस के 6 विधायकों को पंचकुला ले गई है। ये किडनैपिंग का प्रयास है, अपहरण का प्रयास है। सूत्रों का कहना है कि हिमाचल प्रदेश में कोई बड़ा खेला हो रहा है। राज्यसभा चुनाव की वोटिंग के दौरान पूर्व सीएम जयराम ठाकुर ने कह दिया था कि सरकार अल्पमत में है, वित्त बिल के विधानसभा में वोटिंग के आधार पर पास नहीं होना ये बड़ा संकट होगा, केवल वॉयस नोट के आधार पर इसे पास करना पड़ा। पार्टी लाइन से हटकर कांग्रेस के कई विधायक हमारे संपर्क में हैं। जयराम ठाकुर का ये बयान तब से चर्चा में है जब से राज्यसभा का चुनाव हुआ है। आपको बता दें, हिमाचल प्रदेश में कांग्रेस पार्टी की सरकार खतरे में है। राज्यसभा चुनाव में पार्टी के 6 विधायकों की क्रॉस वोटिंग के बाद से एक तरफ पार्टी के उम्मीदवार अभिषेक मनु सिंघवी का हारना और दूसरी तरफ सुक्खू सरकार के गिरने की अटकलें, ये दोनों ही खूब सुर्खियां बटोर रही हैं। 3 निर्दलीय और कांग्रेस के 6 विधायकों ने सरकार का साथ छोड़ दिया, यानी टोटल 9। बागियों का नेतृत्व कर रहे कांग्रेस विधायक सुधीर शर्मा ने बताया कि आखिर उन्हें इस तरह का फैसला क्यों लेना पड़ा। सुक्खू सरकार से नाराज हैं सभी विधायक। सुधीर का यह कहना है कि वो राज्य में केंद्रीय नेतृत्व तक के सामने अपनी बात पहुंचा चुके हैं लेकिन सुनवाई नहीं हुई। सुधीर कहते हैं कि हर चीज की एक लिमिट होती है, एक हद होती है। कुछ मीडिया रिपोर्ट्स के अनुसार सुधीर ने यह भी कहा कि उन्हें और दूसरे विधायकों को मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू की तरफ से प्रताड़ित किया गया। उन्होंने आरोप लगाया कि कांग्रेस विधायकों को अपने क्षेत्र में काम नहीं करने दिया जा रहा है। उन्होंने कहा कि हम मामले को कई बार कांग्रेस हाईकमान के संज्ञान में ला चुके हैं लेकिन कोई एक्शन नहीं हुआ। विधायकों को घुटन महसूस हो रही थी क्योंकि जनता उनसे सवाल कर रही थी और वो काम नहीं कर पा रहे थे। सुधीर ने आगे कहा कि हमने खुलकर कई मुद्दों पर अपनी निराशा जाहिर की लेकिन ना मुख्यमंत्री और ना ही पार्टी हाईकमान ने हमारी शिकायतों को सुना। जब उनसे पूछा गया कि आगे आप क्या करने वाले हैं, बागी गुट के नेता ने कहा कि मौजूदा सरकार के खिलाफ हुए विधायक अकेले अगले कुछ दिनों में आगे का फैसला लेंगे और अकेले ही फैसला लेंगे पार्टी को छोड़कर। सुधीर शर्मा ने पिछले सप्ताह यह दावा किया था कि उनकी जान को खतरा है। उन्होंने भी आरोप लगाया था कि एक राजनीतिक विरोधी ने उन्हें खत्म करने के लिए 4 करोड़ रुपए भी दिए हैं। दूसरी तरफ राज्यसभा चुनाव में बीजेपी के उम्मीदवार हर्ष महाजन ने भी यह कह दिया कि उनकी जीत होती है तो सरकार में भी बदलाव होगा, 1 महीने के अंदर सरकार गिरेगी। महाजन पहले कांग्रेस में ही थे, कई विधायक आज भी उनके संपर्क में हैं। कांग्रेस को राज्यसभा चुनाव में कोई खेला होने की आशंका थी इसलिए पार्टी ने एक दिन पहले ही विधायक दल की बैठक में विधायकों को पार्टी लाइन में रहकर वोट करने के लिए कहा था। कांग्रेस पार्टी ने बाकायदा व्हिप जारी करते हुए अपने विधायकों से कहा था कि उन्होंने वोट किसे दिया है ये पोलिंग एजेंट को दिखाना होगा। बीजेपी उम्मीदवार हर्ष महाजन ने कहा कि मेरे कई विधायकों से संपर्क हैं, मैंने सबसे वोट मांगा है, जिसने जैसे वोट दिया है उसकी जीत हुई है। 34-34 पर आकर मामला रुका था और उसके बाद एक टॉस के जरिए, पर्ची के एक टॉस के जरिए बीजेपी की जीत हुई है। सुक्खू सरकार इस वक्त परेशानी में है। सुक्खू सरकार को लेकर जिस तरीके की मीडिया रिपोर्ट्स चल रही है कि हो सकता हो बहुत जल्द सुक्खू की सरकार गिर जाएगी, कांग्रेस हिमाचल प्रदेश में नुकसान में नजर आएगी, ये सारी बातें अभी इस वक्त अटकलों के दौर से गुजर रही हैं। अभी तक नंबर गेम में अगर देखा जाए तो सुक्खू को जरूर आप 19 मान सकते हैं लेकिन सुक्खू भी मजे हुए खिलाड़ी हैं। अब कांग्रेस ने एड़ी चोटी का जोर लगा दिया है, कांग्रेस आलाकमान ने अपने दिग्गज नेताओं को, बड़े चेहरों को वहां उतारा है इस पूरे मामले में डैमेज कंट्रोल के लिए। देखना यह है सुक्खू की सरकार कैसे बचती है। और चूंकि बजट पेश होना है हिमाचल के विधानसभा में, इसलिए भी उससे पहले सुक्खू को सारी चीजें ठोक बजाकर ठीक ठाक करनी होगी क्योंकि अगर वहां नंबर गेम में वो फंसे तो उन्हें इस्तीफा देने के अलावा, राष्ट्रपति शासन लगने के अलावा हिमाचल में कोई ऑप्शन नहीं बचेगा। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। अगर आप Facebook पर ये वीडियो देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।